क्या हुआ दोस्तों, किसी अपने को मिस कर रहे हैं? कोई ऐसा जो शायद आपके बहुत करीब था पर आपके नसीब में नहीं। बहुत लोग होते हैं ना जिनसे डेली रूटीन में हम लोग की एक हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है कि यार उससे तो बात करनी ही करनी है, आज ये हुआ अच्छा बुरा जो भी चीज़ें आप उससे डिस्कस करते हैं। बट एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है जब वो इंसान आपके साथ नहीं होता, जब वो रिश्ता शायद एग्जिस्ट नहीं करता, जब आपके पास ना फीलिंग्स और बातें बहुत सारी होती है लेकिन बताने के लिए सामने वो इंसान नहीं होता। देन यू फील सो इनकम्प्लीट अबाउट दैट पर्सन, क्योंकि वो सडनली आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाता है। रीज़न बहुत से अलग अलग हो सकते हैं, वो सामने वाला इंसान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट बी श्योर कि जैसी फीलिंग आपको आ रही है ना इनकम्प्लीट वाली, जब सडनली कोई चला जाए आपकी ज़िंदगी से शायद बिना कुछ बताए या बिना कोई वैलिड रीज़न दिए, वो फीलिंग आपकी वजह से किसी को ना आए, बिकॉज यू आर एट दैट स्टेज राइट नाउ व्हेन यू कैन थिंक अबाउट इट। तो आपने जो फील किया है, कोशिश कीजिए आपकी वजह से कोई फील ना करे फ्यूचर में। सो किसी के दोस्त बन रहे हैं ना तो हमेशा के लिए पक्के वाले दोस्त बनिए। दोस्ती की इज्जत कीजिए, रिश्तों की इज्जत कीजिए, उस पर्सन की इज्जत कीजिए। रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट द रिलेशन एंड यू बोथ विल बी हैप्पी टुगेदर।